ठीक, बहुत धन्यवाद। हाँ, राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस देश के अत्यधिक संवेदनशील सवाल भूमि अधिग्रहण पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। लंबे इंतजार के बाद यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिल संसद के समक्ष विचार के लिए आया हुआ है। बहुत ही गौर से पूरे विधेयक का मैंने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमारी नजर इस विधेयक के नाम पर पड़ी। नाम में भी संशोधन हुआ है और इस नाम को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, अच्छा लगा। इस विधेयक का नाम है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल। इस विधेयक के नाम को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद सरकार ने सोचा होगा कि ऐसा नाम दिया जाए ताकि सारा का सारा विधेयक की जो मंशा है वह पूरी तरफ से इस नाम में ही समाहित हो जाए। अरे कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, कोशिश यह की गई, इसीलिए विधेयक का नाम इतना प्रभावी रखा गया है। लेकिन जब मैंने विधेयक का विस्तार में जाकर जब अध्ययन किया तो मैंने देखा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि पूरी तरह से अनदेखे रह गए हैं। वैसे यह विधेयक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन मुझे लगा कि गांव में रहने वाले किसानों की, गरीबों की जो चिंता की जानी चाहिए इस विधेयक के माध्यम से, और जिस गंभीरता के साथ चिंता की जानी चाहिए उतनी गंभीरता के साथ चिंता नहीं की गई है, बल्कि शहर और उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। मैं शहरों और उद्योगों का विरोधी नहीं है, शहरों में भी सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उद्योग भी इस देश में बढ़ने चाहिए, उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन गांव, गरीब और किसान से जुड़े हुए सवाल पर, जो कि अत्यधिक संवेदनशील सवाल होता है, यदि सरकार ने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं किस प्रकार की विषम स्थिति देश में पैदा होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले से इस बिल के बारे में मैं यह जरूर कहूंगा, थोड़ा बेहतर यह बिल बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन पूरे बिल का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बिल अपने मूल उद्देश्य से काफी यह भटक गया है। जहां तक भूमि का सवाल है, हम भूमि को केवल एक कमोडिटी नहीं मानते और भूमि से हम केवल आर्थिक गतिविधियों को ही जोड़कर नहीं देख सकते। भूमि का जहां तक प्रश्न है, इसके साथ किसान का भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, भूमि के साथ उसका एक सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आपको भी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, आप भी गांव की रहने वाली हैं, कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान देने के लिए भी किसान का पूरा परिवार तैयार हो जाता है। इस प्रकार का भावनात्मक रिश्ता होता है। मैं भी किसान परिवार से हूं, मैं जानता हूं कि जिस दिन अपनी जमीन दूसरे के हाथों बेचनी पड़ती है, भले ही उसके कारण पैसा हासिल होता है, लेकिन अपने मन को अच्छा नहीं लगता है, यह कदम किसान को मजबूरी में उठाना पड़ता है। इस सीमा तक भावनात्मक रिश्ता उस जमीन के साथ होता है। और सांस्कृतिक रिश्ता किस प्रकार, महाभारत भी। और जहां तक सांस्कृतिक रिश्ते का प्रश्न है, आप जानते हैं कि हम भूमि को एक साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि इस भूमि को, इस पृथ्वी को हमने माता तुल्य माना है। इस प्रकार का एक सांस्कृतिक रिश्ता इस भूमि के साथ हम सभी लोगों के साथ है। लेकिन आजादी हासिल होने के पहले भी और आजादी हासिल होने के बाद भी आर्थिक विकास के नाम पर जिस तरीके से अंधाधुंध भूमि का अधिग्रहण हुआ है, मैं यह कह सकता हूं कि उससे इस देश के किसानों में घोर असंतोष पैदा हुआ है। लगभग 6.5-6.75 करोड़ की संख्या में किसान विस्थापित हुए हैं। यह जो है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन है, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। क्योंकि भूमि यह किसान का एकमात्र सहारा होता है, इसलिए भूमि के प्रश्न को लेकर जब कभी कोई विवाद खड़ा होता है
तो स्वाभाविक रूप से किसान एकजुट होकर आंदोलन करता है, उसके लिए लाठियां खाता है, गोलियां खाता है, लेकिन फिर भी भूमि को बचाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है। लेकिन विडंबना यह है कि 1894 जब अंग्रेजों की हुकूमत इस हिंदुस्तान में थी तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक बिल तैयार किया गया था। उस समय भी जब भूमि का अधिग्रहण थोड़ी बहुत मात्रा में होता था तब भी किसानों के अंदर असंतोष पैदा होता था, किसान आंदोलन करता था, लेकिन जिस निर्ममता पूर्वक ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उसके आंदोलन को दबा दिया जाता था तो फिर ब्रिटिश हुकूमत के सामने उफ करने का वह साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन 1894 के बाद जाकर आजादी हासिल होने के बाद 3 बार इस बिल में संशोधन हुआ है, 1962, 1967 और 1984, 3 बार इसका संशोधन हुआ। लेकिन फिर भी जो मनसा थी इस देश के किसानों की कि भूमि अधिग्रहण इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हमारे परिवार के समक्ष किसी प्रकार का भविष्य में कोई संकट पैदा न हो, ऐसा सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर जो कुछ भी संशोधन हुए, संशोधन के बावजूद वह राहत इस देश के किसानों को नहीं मिल पाई। फिर यहां पर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आई, हम लोगों ने इस प्रश्न को अपनी सरकार के जो प्रधानमंत्री तत्कालीन थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष रखा, उन्होंने इसकी गंभीरता को स्वीकार किया और यह कहा कि निश्चित रूप से एक ऐसा बिल तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसानों को अधिकतम राहत दी जा सके, क्योंकि आनन फानन में कोई यह फैसला नहीं किया जाना चाहिए, यह आदरणीय अटल जी ने उस समय भी यह हिदायत दी थी। लेकिन तब तक 2003 समाप्त होते होते ही हमारी सरकार चली गई। अब कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट के आए हुए लगभग 9.5 वर्षों का समय गुजर गया और मैं तब से सुन रहा हूं, जब से 2004 में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार बनी है अध्यक्ष महोदय, कि भूमि अधिग्रहण में एक संशोधित बिल लाया जा रहा है। लेकिन 9.5 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद इतने संवेदनशील सवाल पर यह बिल जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह बिल पूरी तरह से अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, मैं जानता हूं कि मंत्री जी निहायत एक अच्छे इंसान हैं और जिस समय हमारी बातचीत हुई थी और जो पहला बिल आया था अपेक्षाकृत इससे वह बेहतर बिल था। लेकिन मैं जानता हूं जब कैबिनेट में यह प्रपोजल गया होगा तो निश्चित रूप से मंत्री जी के ऊपर कोई ना कोई दबाव आया होगा, इसलिए यह बिल अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है, ऐसा मेरा यह मानना है। और मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी अधीरता में, जल्दबाजी में भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी मामले पर कोई निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी मंशा है। और इस विधेयक में तो निजी क्षेत्र के लिए भी भूमि अधिग्रहण का एक रास्ता निकाल लिया गया। वैसे निजी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण अंग्रेजों की भी हुकूमत में होता था, इसके पहले का जो पुराना बिल है उसमें भी उनके लिए होता था, लेकिन पब्लिक पर्पज एक नया, इसमें यह शब्द जो इंट्रोड्यूस किया गया है, यह पब्लिक पर्पज का शब्द उस समय भी था। इस पब्लिक पर्पज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पब्लिक पर्पज को श्रेणी में एक लंबी सूची इसमें दी गई है, इस बिल के अंतर्गत वो मेंशन है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं 27 मार्च 2012 एक गजट जारी किया गया है, वह इतना व्यापक है, इसमें कई व्यावसायिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। अब मैं सारी व्यावसायिक गतिविधियों की यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिनको कि इस बिल में मेंशन किया गया है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरा संसद इस बात का साक्षी है अध्यक्ष महोदय, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस समय बनाया जा रहा था उसके पीछे क्या उद्देश्य था, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हम लोगों को लगता था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निश्चित रूप से किसानों को एक राहत मिली, लेकिन बड़ी संख्या में 700-800 की संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंधाधुंध इस देश में बना दिए गए। आज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई भी काम वहां प्रारंभ नहीं किया गया है, मनमाने तरीके से किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, किसान यह आंदोलन कर रहा है कि हमारे जमीन को वापस किया जाना चाहिए। लेकिन
इस बिल में पब्लिक पर्पस की व्याख्या करते समय एक एम्बिग्युटी, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बिल के क्लॉज 2 के सेक्शन 1 की तरफ। इसमें लिखा है पब्लिक पर्पस एंड शैल इंक्लूड, पब्लिक पर्पस एंड शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पर्पसेस। अभी हमारी समझ में बात नहीं आती है जो भी पब्लिक, क्या क्या पब्लिक पर्पस है या तो आप उसको मेंशन कर देते हैं, लेकिन पब्लिक पर्पस के अतिरिक्त जो कुछ भी आपने पर्पसेस एक सूची में डाले हैं उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं मंत्री इसे जानना चाहता हूं अलग से यह पब्लिक पर्पस और उसके बाद अन्य जो कुछ भी आपने सूचित मेंशन की है उसमें, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके संबंध में मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। हमारा यह कहना है कि होना चाहिए था, या तो यह होना चाहिए था कि पब्लिक पर्पस इंक्लूडिंग पर्पज मेंशन्ड बिलो, पब्लिक पर्पस को अलग नहीं करना चाहिए था। यदि पब्लिक पर्पज है तो उसमें कहना चाहिए था पब्लिक पर्पज इंक्लूडिंग पर्पजेज मेंशन्ड बिलो। तो इस पर मैं मंत्री जी का क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि इसके पीछे मंत्री जी की मंशा क्या रही है। इस बिल के क्लॉज 2 के सेक्शन 1 में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनीज के लिए प्रायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज जरूरी है, यानी जितनी प्रभावित परिवार हैं उनके 80% लोगों की यह प्रायर कंसेंट होनी चाहिए कि यह भूमि अधिग्रहित की जाए या यह भूमि अधिग्रहित न की जाए। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए 70% यहां पर रखा गया है, मगर सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यह अनइवन प्लेइंग फील्ड क्यों देना चाहते हैं? देना है तो सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी और साथ ही साथ गैर सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपको प्ले फील्ड देनी है तो आप समान प्ले फील्ड दीजिए। लेकिन यदि आपके समक्ष यदि कोई मजबूरी ऐसी है तो मंत्री जी प्राइवेट ये प्रायर कंसेंट्स के जो नॉर्म्स हैं वह यूनिफॉर्म रखने में क्या परेशानी थी, इस संबंध में भी मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। क्या इस बिल के बाद भी जबरिया भूमि अधिग्रहण का रास्ता खुला रहेगा? मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि यह क्लाज पढ़ने के बाद यह शंका हमारे मन में पैदा हुई है कि अब भी जबरिया किया जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं, मैंने भी सरकार चलाई है, कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। आपात स्थिति भी कभी ऐसी पैदा हो जाती है कि भूमि अधिग्रहण आवश्यक होता है। तो मैं इतना ही अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा यदि ऐसी परिस्थिति कभी ऐसी पैदा होती है तो कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स किसानों को दिए जाने चाहिए, इस बिल में इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक इस बिल के प्राविधान, यह प्राविधान किया गया है कि निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण में 80% प्रभावित परिवारों की जो कंसेंट ली जाएगी उसके साथ यह कहा गया है, प्रभावित परिवार किसको माना जाएगा? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद। लेकिन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यह कब से प्रारंभ करेंगे? आपके बिल से तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि अधिग्रहण किसका सिलसिला प्रारंभ होने के बाद यह किया जाएगा, लेकिन पहले यह होना चाहिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, तो भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस प्रारंभ होने के पहले होना चाहिए और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी भूमि अधिग्रहण का यह सिलसिला प्रारंभ होने के पहले होना चाहिए, इसके पहले यह संभव नहीं है। मैं लैंड ओनर की जो परिभाषा उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री आपको भी जानकारी है आज भी हमारे देश में लैंड टाइटल्स को लेकर लगभग 20% मामले आज भी उलझे हुए, अदालतों में उनके विवाद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मंत्री जी इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है, क्या आपने सोचा है? मैं यह भी आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ लाल डोरा और LMC इसकी भी समस्या है, गांव में रहने वाला हर व्यक्ति इससे परिचित है। आबादी जिस तेजी के साथ इस समय बढ़ रही है उस आबादी को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है कि लाल डोरा
और एलएमसी के बारे में यह बिल कुछ स्पष्ट करे, ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला है। हमारा यह कहना है कि अधिग्रहण के समय गांवों में भी आबादी के लिए कुछ जमीन छोड़ने का एक निर्धारित मानदंड होना चाहिए और इस बिल के अंदर भी एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, यह हमारा मानना है। और जब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जब यह सिलसिला प्रारंभ हो तो यह टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और साथ ही इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपने प्रारंभ कर दिया और कर दिया, लगभग साल डेढ़ साल तक यह असेसमेंट का सिलसिला चलता रहे तो मैं समझता हूं कि इसका जो पर्पज है वो पर्पज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब अध्यक्ष महोदय, मैं बिल के क्लास 9 की तरफ आता हूं, अर्जेंसी का प्रोविजन आ गया। सबसे खतरनाक प्रोविजन अर्जेंसी का प्रोविजन है और यह अर्जेंसी का जो प्रोविजन क्लास 9 का है वो कहता क्या है। क्लास 38, एक क्लास 38 है, क्लास 38 के तहत अर्जेंसी प्रोविजन के माध्यम से यदि सरकार अधिग्रहण करती है तो क्लास 9 अधिग्रहण की प्रक्रिया को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट से मुक्त रखेगा। अब ये बताइए, यही असली समस्या है गांव की, सबसे बड़ा संकट यही है। अर्जेंसी प्रोविजन, अब उसको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। अब इस समस्या का निराकरण मंत्री जी कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में भी मैं क्लेरिफिकेशन आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकांश विवादों का कारण यह अर्जेंसी प्रोविजन यही है गांव में। और मेरा एक सुझाव है कि क्लास नाइन का उपयोग कोई बहुत ऐसी आपात स्थिति पैदा हो जाए तभी किया जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस क्लास नाइन को ही समाप्त कर दी, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। और किसी भी प्रकार का अधिग्रहण हो, किसी प्रकार का, प्राइवेट कंपनीज के लिए हो अथवा पब्लिक पर्पस के लिए हो, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यह निश्चित रूप से होना चाहिए। नए बिल के क्लास 10 की ओर अध्यक्ष महोदय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लास 10 क्या कहता है, कहता है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण नहीं किया जाए, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। मगर सेक्शन 2 के सब सेक्शन में यह बात कही गई है कि नहीं किया जा सकता है, यानी फिर से एक अधिग्रहण का रास्ता यहां पर खोल दिया गया है। यहां पर भी एक तरफ तो कहा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए मल्टी क्रॉप जो भी हमारी लैंड है उसका एक्विजिशन अथवा इरिगेटेड जो लैंड है उसका नहीं एक्विजिशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ रास्ता भी उसका खोल गया है। हमारा यह मानना है कि कृषि योग्य भूमि जब तक किसान सहमति न दे तब तक किसी भी सूरत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले फूड सिक्योरिटी बिल इसी संसद में पारित किया है। फूड सिक्योरिटी की इतनी बड़ी क्राइसिस इस देश में पैदा हो जाएगी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार को भी कि जिस समय फॉरेस्ट कवर डिप्लीट करने लगा था, कम होने लगा था, तो उस समय इस सरकार को ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाना पड़ा था। वैसे ही यदि जमीन, खेती के योग्य जमीन धीरे धीरे जो एक्विजिशन के कारण कम होती चली जाएगी तो एग्रीकल्चरल लैंड कंजर्वेशन बिल फिर इसी संसद में लाना होगा और उसे एक्ट बनाना होगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जब तक इरिगेटेड लैंड अथवा फसल जिस खेत में पैदा होती है उसको मंत्री जी मत एक्वायर करिए, काम चलाना है तो बहुत सारी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है उससे काम चला लीजिए, लेकिन बंजर भूमि पड़ी है लेकिन खेती के योग्य की भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और इस संबंध में इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन में इस बात की चर्चा की है और साफ साफ कहा है कि किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इस बिल के सबसे चिंताजनक बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैडम, यह क्लाज 16(3) सरकार के द्वारा, यदि सरकार द्वारा ऑब्जेक्शन यदि किसान के द्वारा यदि कोई किया गया भूमि अधिग्रहण के संबंध में और सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया, वो अपील नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय, ये कहां का इंसाफ है। मैं समझता हूं कि न्याय का जो हमारा सिद्धांत है,
न्याय का जो हमारा एक मान्य सिद्धांत है उसके सर्वथा ये खिलाफ है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या किसान को यह हक नहीं है? यदि सरकार के द्वारा यदि कोई फैसला आ जाता है किसान को मंजूर नहीं है, क्या वह अदालत नहीं जा सकता? इसलिए मैं मंत्री जी आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसान के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति यदि की जाती है और उस पर भी यदि किसान संतुष्ट नहीं है, उसको आपत्ति है, किसी कोर्ट में जाना चाहता है, तो कोर्ट में जाने का उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और एक और सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि बिल को पूरी तरह से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू करें। जहां लोगों ने कंपनसेशन नहीं लिया है, चाहे जानबूझकर न लिया हो अथवा सरकार के द्वारा न दिया गया, जहां कंपनसेशन नहीं लिया है अथवा जहां पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, यह बिल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन सब सारी जमीनों पर भी लागू होगा। मैं चाहूंगा कि आज संसद को मंत्री जी यह भी आश्वासन दें, क्योंकि बहुत सारे मामले अब भी उलझे हुए। बिल का एक और खतरनाक क्लास 38 है, जिसमें कि अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत शक्ति दी गई है, जिसमें अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसको शक्ति दी गई है, ये पावर दिया गया है कि आप नोटिफिकेशन करके तीन दिन के बाद आप किसी भी लैंड का एक्विजिशन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का फिर पर्पज ही क्या है, ये पर्पज ही पूरी तरह से डिफीट कर जाता है अध्यक्ष महोदय इस बिल को लाने का। सरकार जब चाहे तो क्लास 38 का प्रयोग करके उन्हें बेदखल कर दे। तो मैं यह मांग करना चाहता हूं संसद में कि इस क्लास 38 को ही समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई आपात परिस्थितियां यदि पैदा होती हैं तो उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करूंगा। अब मैं बिल के क्लास 45 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक द लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रोविजन किया गया है। यह अथॉरिटी कितनी गठित होंगी यह बिल में यह मेंशन नहीं है। क्या केवल स्टेट लेवल पर ही यह अथॉरिटीज बनेगी अथवा केवल सेंट्रल लेवल पर ही अथॉरिटी बनेगी? हमारा यह मानना है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या यह लगभग इस देश के अधिकांश जिलों में है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं यह मांग करना चाहता हूं कि यह अथॉरिटी जो बनाने की बात है, यह अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर निश्चित रूप से बनाई जाए, और यदि किन्हीं कारणों से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज पर जहां पर एक्विजिशन न होता हो तो कुछ ऐसी समस्या है तो कम से कम कमिश्नरी स्तर पर तो यह निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। और अथॉरिटीज को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि जैसे केसेस का निस्तारण, केसेस का डिस्पोजल फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी करती हैं, वैसे ही चूंकि यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होता है लैंड एक्विजिशन का, तो ऐसी जो अथॉरिटीज बने इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, एक ऐसा भी अधिकार अथॉरिटीज को दिया जाना चाहिए। कई बार मैंने देखा है अध्यक्ष महोदया की आवश्यकता से अधिक भी लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट कर लेती है तो लैंड पड़ी की पड़ी रह जाती है, खुली रहती है, उसका कोई मतलब यह नहीं। वैसे जमीन एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स, इसका अधिकतम उपयोग कैसे हो यह संसद को ही नहीं बल्कि सारे देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि इसको रोकने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए ताकि जरूरत से ज्यादा किसी भी सूरत में लैंड एक्विजिशन ना हो। यदि लैंड एक्विजिशन कोई जरूरत से ज्यादा कर लेता है, उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, तो क्या उसको किसानों को वापस किया जाए या क्या किया जाए, इसके संबंध में भी सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय इसके अतिरिक्त दो तीन बातों की और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक मौजूदा बिल में एक क्लाज 94 में कहा गया है कि यदि अधिग्रहित भूमि 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं आती है तो या तो वह किसानों को वापस लौटा दी जाएगी, फिर वह जमीन सरकार के लैंड बैंक में चली जाएगी। ठीक है, जमीन वापस कर दी जाए, यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन अब वहीं पर देखिए हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस, स्टैंडिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस कैसे इग्नोर होती है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, साफ तौर पर कहा है कि यदि किसान अपना कंपनसेशन लौटा देता है
तो लैंड के अनयूज्ड रहने की दशा में वह भूमि किसान को वापस सौंपी दे, और लैंड बैंक यदि मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में लैंड बैंक में वो जमीन यदि जाती है तो मान लीजिए किसान अपना मुआवजा वापस नहीं करता है, तब ऐसा किया जा सकता है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मगर मौजूदा बिल में इस जो स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन है इस संबंध में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें क्या आपका मत है। कंपनसेशन के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बिल के जो नया जो ड्राफ्ट है उसमें ये नया बिल है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू का 1 से 2 गुना और शहरी क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू के बराबर ही मूल्य निर्धारित होगा। ठीक है, रुकिए, इसमें सोलेशियम भी शामिल है, सोलेशियम जब शामिल हो जाएगा तो शहरी क्षेत्रों को 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों को 4 गुना, और लेकिन उसके लिए सीमा निर्धारित की गई है, इतने किलोमीटर के बाद इतना, इतने किलोमीटर के बाद इतने टाइम्स कंपनसेशन दिया जाएगा, 1 टाइम, 1.25 टाइम, 1.50 टाइम्स, ऐसा किया गया है। यह निर्धारित कर पाना, क्योंकि मैं जानता हूं यह काम बहुत ही कठिन होता है कि शहर से यह गांव कितनी दूर है, कहां से नापेंगे आप, कहां से, पहले यह भी तो तय होना चाहिए गांव की दूरी, वो कहां से आप मानेंगे, इसके बारे में भी कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और कंपनसेशन के बारे में हमें अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, संसद में यह कंपनसेशन के बारे में जो भी नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं वह किसानों के लिए कम है, यह मैं यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। क्यों कम? क्योंकि जो लैंड की रजिस्ट्री होती है तो यह रजिस्ट्री जो होती है अंडर वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं होती। यदि मार्केट वैल्यू के आधार पर यदि कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाए तो कम से कम किसी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन जो कुछ भी रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा वैल्यू है लैंड, उस आधार पर करेंगे तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर गांव के चारों ओर कम से कम 500 मीटर की एक चौहद्दी छोड़ी जानी चाहिए, एक क्षेत्र छोड़ा जाना चाहिए, ताकि लाल डोरा आबादी का दबाव बढ़ने पर इसे बढ़ाया जा सके। एक लेकिन इसका यहां पर कोई उल्लेख नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कभी कभी किसानों का एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, लेकिन कभी कभी दोबारा भी उनके डिस्प्लेसमेंट के हालात पैदा हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति में यह सरकार क्या कदम उठाएगी, इसका भी क्लैरिफिकेशन मैं मंत्री जी के द्वारा मैं जानना चाहूंगा। वैसे प्रिकॉशन यह लिया जाना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसानों का किसी भी सूरत में न हो। और मैं आता हूं दिल्ली ही नहीं, बड़े बड़े शहरों के किनारे चले जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए हमारे जो गरीब हैं उनकी दयनीय हालत, भारत की राजधानी दिल्ली की भी सड़कों पर निकलिए, आपने पतली पतली टांगों के उन गरीब बच्चों को देखा है अध्यक्ष महोदय, सड़कों पर किस तरीके की वो जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बुलडोजर लेकर जब उनकी झोपड़ी को गिराने के लिए जब चला जाता है तो मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा एक बार उसकी आंखें नम हो जाती होंगी, उसका कलेजा दहल उठता होगा। लेकिन जहां पर वह झुग्गी झोपड़ी वाले बसे हैं यह कहा जाता है कि यह अतिक्रमण किया, निर्ममतापूर्वक इन्हें हटा सकते हो तो हटा दो, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों वालों की व्यवस्था इसमें तो आप नहीं कर सकते इस बिल के अंदर। मैं जानता हूं हमने भी बिल तैयार कराया है, मुझे जानकारी है नहीं करा सकते, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय देखते हैं भले ही शहरों के किनारे वो बसते हों मंत्री जी, लेकिन उनके बारे में जरूर सोचिए। अलग से यदि बिल लाएंगे तो हम लोग सर्वसम्मत उस बिल को जिसमें एक झुग्गी झोपड़ी का इंसान रहता है इस बिल को हम संसद में पारित करेंगे। और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैडम, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इस देश में 90% अधिग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों के बनाए कानूनों के माध्यम से होता है, जिन्हें एक अलग से सूची बनाई गई है उसमें रखा गया है। हैरानी की यह बात है कि जो विधेयक इस सदन में भूमि अधिग्रहण की भावी रूपरेखा पर विचारार्थ रखा गया है अध्यक्ष महोदय, उसके प्राविधान इन कानूनों पर लागू नहीं होंगे।
जिन्हें एक अलग सूची में चिन्हित किया गया। हमारा यह कहना है इन कानूनों को इस विधेयक से बाहर रखने का क्या औचित्य है, यह मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। एक सुझाव हम लोगों ने दिया था माननीय मंत्री जी को कि इसका एक्विजिशन अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए जमीन पर, बल्कि लीज पर, लीज का प्रावधान किया जाना चाहिए। मंत्री जी आपने इसे माना है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें भी आपने रास्ता खुला रखा है, ये देखा है मैंने, हमने बहुत रास्ता निकालने में माहिर है। हमारा ये कहना है कि सरकार यदि चाहे तो किसान कहता रहे कि हमारी जमीन लीज पर ले लीजिए, सरकार कहेगी नहीं नहीं जी लीज पर नहीं लूंगा, इसका मैं एक्विजिशन करूंगा। मैं ये सुझाव देना चाहता हूं इसमें बिल में यह प्रोविजन होना चाहिए कि जमीन लीज पर ली जाए अथवा इसका एक्विजिशन किया जाए, इसका जो फैसला होगा वो किसान की सहमति से होगा, बिना किसानों की सहमति के नहीं। मैं यह एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी, वैसे तो बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष महोदय बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर कि विचार व्यक्त किया जा सकता था, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यदि सब पर यदि मैं बोलूंगा तो लगभग 1.5-2 घंटे का यह भाषण होगा, तो आपको जो अपनी घंटी दबानी पड़ेगी, तो उस घंटी से बजने के लिए जितना शॉर्ट मैं कर सकता था मैंने उसे शॉर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है भूमि अधिग्रहण का, बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाए, और अब भी मंत्री जी आप अपने विवेक से जो भी संशोधन स्वीकार कर सकते हैं उस संशोधन को स्वीकार करिए, और किसानों के लिए यह हितैषी बन सके बिल, यह बना इसे बनाने की आप भरपूर अपनी कोशिश करिए। इसी निवेदन के साथ अध्यक्ष महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद।